साथियों, मुझे भूलने की आदत है, मैं क्या करूं? एक बहुत बड़े अहम प्रश्न है और 99% स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूं, मैं कैसे याद रखूं, मैं खूब पढ़ता हूं और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा भूल जाता हूँ, जिसके कारण से जो मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये जो भूलने की आदत है ये कोई खराब आदत नहीं है, बल्कि ये अच्छी आदत है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो सारे लोग याद करने के बाद भूलने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ आपको, मैं बता दूँ, जितने भी IAS IPS में सिलेक्शन हुआ है पहले वो याद करते हैं और फिर भूलने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यदि मेमोरी में जो बच जाता है वही तो शिक्षा है, वही तो याद है। आप फिर एक बार सुन लीजिए, यदि आप किताबें खूब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उन्हें लिख लिख कर याद करते हैं या बोल बोल कर याद करते हैं और उसके थोड़े देर बाद आप भूल जाते हैं और जो मस्तिष्क में रह जाता है वही तो काम का है। याद रखिएगा, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ंतु होते हैं, जो याद करते हैं, वो पहले वो सब करते हैं, उसके बाद में भूलने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा, और उसके बाद में फिर याद करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर मस्तिष्क में वो पड़ा रहेगा मेमोरी के रूप में। आप भी इसी तरह का प्रयोग करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी जो भूलने की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली साइंस में एक सिस्टम है कि हमारे जो मस्तिष्क में ढेर सारे कीड़े होते हैं, मस्तिष्क के कीड़े, यानी कि जिसको हम लोग जो है पिट्यूटरी सेल के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। और एक जो ग्रंथि है, मूल ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहें, क्योंकि आपको पता है सेल का निर्माण जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो एक पीयूष ग्रंथि है, मुख्य पीयूष ग्रंथि, जो न्यूट्रॉन का काम करता है, और उसके बाद जो है दो प्रकार का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव पिट्यूटरी सेल होते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथियाँ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और उसी प्रकार से निगेटिव पिट्यूटरीज का भी जो है एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में असंख्य संख्या में, असंख्य मात्रा में वो पिट्यूटरी सेल रहते हैं। जो मुख्य पिट्यूटरी सेल है, जिसको आप लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, उसके चारों तरफ पॉजिटिव पिट्यूटरीज एंड निगेटिव पिट्यूटरीज जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और उसकी जो दिशा है पॉजिटिव पिट्यूटरीज एंड निगेटिव पिट्यूटरीज का जो दिशा है, मुंह का दिशा है, वो न्यूट्रॉन की तरह सेंटर की ओर रहता है। याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इसको जो है ध्यान से पढ़िए, देखिए, इसको जो है मेरे बात को ध्यान से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको भूलने की आदत क्यों है और आप जल्दी क्यों भूल जाते हैं, आपके मेमोरी में वो क्यों नहीं रहता। तो ये मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ आज, पूरा खुल्लम खुल्ला एक एक बात आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो, और मैं जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को करिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जीवन पर्यंत आपके मस्तिष्क में स्टोर बना रहेगा, मरते दम तक, ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है।
आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन सेंट्रल में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं और उसकी दिशा इस तरह से ऐसा होता है, इस तरह से वो चक्कर लगाते रहते हैं। और कितने प्रकार का है? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये दो प्रकार का होता है, दोनों इस तरह से वो चक्कर लगाते रहते हैं। याद रखिएगा, निगेटिव पिट्यूटरीज की संख्या जो है सर्वाधिक होता है पॉजिटिव पिट्यूटरीज की तुलना में। यानी कि आप कहें 80% निगेटिव पिट्यूटरीज है और पॉजिटिव पिट्यूटरीज जो है 20% है। एक उदाहरण के रूप में ये भी बता रहा हूं, जिनका जो पिट्यूटरी ज्यादा होगा उसमें उस बात को रखने की क्षमता भी ज्यादा होगा। यानी कि जब भी हम कोई निगेटिव बातें करते हैं तो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। उसके पीछे कारण है कि निगेटिव पिट्यूटरी सेल की संख्या जो है सबसे ज्यादा है और पॉजिटिव बातें जल्दी समझ नहीं आता है। इस बात को आप मानते होंगे। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि पिट्यूटरी सेल को हम ये मान सकते हैं कि जो मस्तिष्क के कीड़ा कहते हैं वो मोबाइल के चिप्स के बराबर होता है, यानी कि वो मेमोरी के रूप में वो स्टोर करके रखता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पैदा होते हैं तो 100% पॉजिटिव पिट्यूटरीज और 100% निगेटिव पिट्यूटरीज होता है। इसलिए बच्चे को अच्छा ज्ञान देंगे तो अच्छे पिट्यूटरीज की जो शक्ति होगा, पावर्स होगा, वो ज्यादा होगा। और यदि बच्चे को गलत आदतें, गलत बातें करेंगे तो गलत जो पिट्यूटरीज है वो सक्रिय हो जाएगा और उसी हिसाब से उसके मस्तिष्क और उसके शारीरिक बनावट बनेगा। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को गलत बातें नहीं बताना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए। एक तो बचपन से अपने को जो है काम करने की जरूरत है, टोटल संस्कारी बनाने की जरूरत है, उन्हें जो है पॉजिटिव थिंकिंग देने की जरूरत है। ये बात को आप मानते हैं, ये बात भी सिद्ध हो जाता है। दूसरी बातें ये है, यदि मान लीजिए आप एडल्ट पिक्चर देख रहे हैं, गलत पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। यदि गाली गाली वाली बात सुनेंगे, गलत गलत उच्चारण करेंगे, उसको सुनने की इच्छा होगा। यदि किसी के चुगली करना है या किसी की शिकायत सुनना है, क्योंकि ये निगेटिव पिट्यूटरी सेल का काम है कि वो ज़्यादा स्टोर करके रखता है, जल्दी स्टोर करके रखता है। मैं बता रहा था पिट्यूटरी सेल जो है, जो मस्तिष्क के कीड़ा के नाम से जानते हैं, वो आपका चिप्स की तरह काम करता है, मेमोरी की तरह काम करता है। और वो जो कीड़े हैं एक बार मर जाने के बाद, डेथ होने जाने के बाद में वहां पर वो होल हो जाता है, होल हो जाता है, वो दोबारा फिर नहीं बनता। इस बात को आप मानिए। तो इसलिए कहते हैं कि एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पिट्यूटरी सेल है और यदि वो डेथ हो गया है, डेड हो गया है, मतलब मर चुका है, तो वहां पर वो होल हो जाएगा। होल मतलब हम कोई बात जब इनपुट से, मस्तिष्क के इनपुट से अब पिट्यूटरी सेल तक जाता है तो वहां पर टकराता है और उसके बाद में उसी स्वरूप में वो वापस आ जाता है, वहां पर वो नहीं रह पाता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब पिट्यूटरी सेल समाप्त हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो वहां दोबारा फिर वो पिट्यूटरी सेल नहीं बन सकता, वो होल हो जाएगा, वहां पर वो बात नहीं जा सकता। दूसरी बात, पिट्यूटरी सेल जन्म में 100% होता है और जब हम मरते हैं तो 100% जीरो हो जाता है। ये है याददाश्त का जो है, और उम्र के साथ में पिट्यूटरी सेल जो है वो डेड होते जाता है। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो है वो पिट्यूटरी सेल डेड होते जाएगा। या माइंड को टेंशन देंगे, माइंड को ट्रेस करेंगे, या ज्यादा चिंतित होंगे, या ज्यादा परेशानी होगा, या आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, तब वो पिट्यूटरी सेल जो है
वो अनुपयोगी हो जाएगा और धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा, जिसके कारण से जो है हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी बात समझिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पिट्यूटरी सेल बने हुए हैं। पिट्यूटरी सेल, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पिट्यूटरी सेल, चाहे वो पॉजिटिव में और चाहे निगेटिव में। यानी कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट समझने के लिए उसके लिए एक पिट्यूटरी सेल बना हुआ है, साइंस को समझने के लिए एक पिट्यूटरी सेल बना हुआ है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के पिट्यूटरी सेल एक्टिव हो जाता है, और जब आप नहीं पढ़ते हैं तो स्थिर होकर वो सो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, नीचे की ओर दबा हुआ होता है। और इतना दबा हुआ होता है क्योंकि आपने साइंस के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री को आप जो है टेंथ के बाद में कभी भी उसको नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण से हिस्ट्री का पिट्यूटरी सेल उसका जो स्तर जो है गिरा हुआ है। जब आप पहली बार एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठेगा नहीं, कुंभकर्ण के नींद की तरह वो सोया हुआ होगा। लेकिन उसको यदि बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो पिट्यूटरी सेल में वो एक जान आ जाएगा, वो उठने लगेगा वो, और वो जब उठेगा एक्टिव हो जाएगा तो वही हिस्ट्री सब्जेक्ट जब वो उठेगा तो वो अपने मेमोरी में रखते जाएगा, और जब वो मेमोरी में रखेगा तो फिर वो जो है बनाए रखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आपको बार बार पढ़ने से आपका पिट्यूटरी सेल एक्टिव होगा और उसी के अनुरूप आपका मेमोरी जो है बनेगा। कोई कहता है कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लगता है कि क्योंकि आपका पिट्यूटरी सेल एक्टिव है। दूसरा चीज है, एक पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल लाखों खराब पिट्यूटरी सेल से ज्यादा हावी होता है, ज्यादा मजबूत होता है। याद रखिएगा, यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव आदतें सीखेंगे, तो जब पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल एक्टिव होगा तो बहुत सारे खराब पिट्यूटरी सेल को वो मारते जाता है, उसको दबा देगा। मतलब खराब पिट्यूटरी सेल तो ढेर सारे हैं लेकिन वो सब कमजोर है, और पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से जब हम अच्छे आदतें करते हैं, जब हम एक्टिव होकर पढ़ाई पढ़ते हैं, और वो जो हमारे जो पॉजिटिव जो पिट्यूटरी सेल को हम एक्टिव करते हैं, तो सारे खराब पिट्यूटरी सेल का जो है डेट हो जाएगा। और जब वो डेट हो जाएगा तो समझ जाइए कि आप महान इंसान बन जाएंगे, आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल को हावी करिए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको यदि पढ़ रहे हैं तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो उसका जो सेल है, पिट्यूटरी सेल है, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, उसको जो सोया हुआ है उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, और इतना स्पीड से कर देंगे कि वो जो है एक्टिव हो जाने के बाद में उसको सोने कभी नहीं देंगे। यदि फिर सोने देंगे तो फिर वो सो जाएगा, और फिर उसके बाद में बार बार इसी तरह से करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार छोड़ देंगे, एक बार पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, तो पिट्यूटरी सेल डेड हो सकता है, और जब डेड हो जाएगा तब आप निराश हो जाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत फैक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई कहता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है या उसका याददाश्त खत्म हो जाता है, या आपने पिक्चर में देखा होगा कि व्यक्ति जो है अपना नाम, अपना घर, अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी भूल जाता है, लेकिन उसके नया स्टोर होने लगता है। कारण क्या जानते हैं? जब वो व्यक्ति हाफ माइंड या पूरी तरह से पागल हो जाता है तो उसको करंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं जानते हैं? वो जो पिट्यूटरी सेल जो घूम रहा है सेंट्रलाइज होकर, सेंटर की दिशा में, सेंटर को मुंह करके चारों तरफ घूम रहा है, यदि कहीं पर भी ऐसी चोट पहुंचता है या एक्सीडेंट होता है या ऐसी घटना घटित हो जाता है जिसके कारण से पिट्यूटरी सेल की दिशा जो है ऐसा मुड़ जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है, जिसके कारण से कहते हैं कि इसका माइंड जो है क्रैक हो गया है, मतलब पिट्यूटरी सेल की दिशा जो है मुड़ गया है, तो उसको जब करंट देते हैं तो वो अपनी दिशा में ऐसा आ जाता है।
या कहते हैं कि माइंड ढीला हो गया है, तो ये बार बार इस तरह से होगा तो माइंड ढीला हो जाएगा। जब सीधा रहेगा तो उसका माइंड ठीक रहेगा, फिर दिशा की ओर मुड़ जाएगा तो उसका माइंड जो है क्रैक हो जाएगा, वो उल्टा सीधा बोलना चालू कर देगा। और कई बार कई पिक्चरों में दिखाता है कि टोटल जो है लेफ्ट हो जाता है उसका याददाश्त, इसका मतलब है उसका दिशा ऐसा हो जाता है, सेंटर की तरफ था वो उल्टा हो गया है। आपने कई पिक्चर देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो ऐसे ऐसे जगह पर ले जाते हैं ताकि उसको देखे तो वो दिशा जो है बदल जाए। आपने देखा होगा कई पिक्चर में वो गाड़ी का एक्सीडेंट से उसका जो याददाश्त खत्म हो गया रहता है, तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और फिर वही वैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो फिर वो उसका पिट्यूटरी सेल जो है फिर सेंट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण से वो पुराना चीजें याद आ जाता है। तो ये पिट्यूटरी सेल का खेल है। यदि पिट्यूटरी सेल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट पर आपको उस पिट्यूटरी सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। ये एक्टिव कैसे होगा? बार बार अध्ययन करने से, बार बार पढ़ने से, उसमें विचार मंथन डालने से वो पिट्यूटरी सेल जो सोया हुआ होगा वो ऊपर उठेगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा फिर वो इनपुट से आउटपुट जो जहां पर वो स्टोर होता है वो स्टोर होना चालू हो जाएगा और फिर कभी जीवन में आप भूल नहीं सकेंगे। ये है इसकी फंडा। आप मानिए, आप अपने पिट्यूटरी सेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप संरक्षित रखना चाहते हैं, आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अच्छे विचार चाहिए, सबसे पहला काम अच्छा विचार। आप विचारधारा ठीक ठाक रखें, पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखेंगे आप हमेशा आपके शरीर को गिराते जाएगा, इसमें ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा, आपको नेत्र रोग हो सकता है, शुगर हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है या और दूसरे दूसरे प्रकार की बीमारियां हो सकता है। यदि सकारात्मक सोच रखेंगे तो जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त करेगा और पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए आपके खान पान को ठीक रखना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब पिट्यूटरी सेल की जो संरचना होता है वो दाल से, दूध से, इस तरह की चीजें, हरे पत्तियों से, तो ये चीजों जो है उसको संरक्षित रखता है। पिट्यूटरी सेल को संरक्षित रखने के लिए आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए गलत विचारों को आप और जागृत करना चाहते हैं तो आपको मांसाहारी का सेवन करना पड़ेगा। आप जितना मांसाहारी का सेवन करेंगे उतना आपको गलत पिट्यूटरी सेल उभार में आएगा, एक्टिव होता जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति शराब पीता है वो मांस खाने की इच्छा करता है, उसके बाद में और तरह तरह की बुराइयां उन्हें याद आने लगता है, वो काम करने लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम गलत पिट्यूटरी सेल को जो सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश करते हैं, उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक्टिव होगा तो अपनी खुराक मांगेगा, अपने लायक चीजें को जो है वो डिमांड करेगा। और यही चीजें, यदि कोई नशा करता है तो नशा जो है छूटता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं छूटता, उसकी जो पिट्यूटरी, शराब की जो पीने का जो पिट्यूटरी सेल है वो बहुत हाई है, एक्टिव है। वो हर बार आपसे मांगेगा, हर बार उसकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बीमार कर देगा। लेकिन एक अच्छा चीजें, यदि एक अच्छा चीज है, यदि मान लीजिए आपको उसको एक्टिव करते हो, वो कोई डिमांड नहीं करता, वो कोई डिमांड नहीं करता, वो स्थिर रहता है, केवल वो पॉजिटिव चीजों के लिए कहने कहता है, वो बार बार याद दिलाता है कि आप इस काम को करिए, इस काम को मत करिए। ये गलत चीजें जो है सही चीजों को वो भी अपनी व्याख्या करेगा, बोलते ये फालतू बात कर रहा है, ये जो फालतू बात कर रहा है, बोल रहा है, मतलब समझिए कि उसका जो निगेटिव पिट्यूटरी सेल बहुत हाई हो गया है, उसको अच्छा चीज समझ नहीं आएगा। और जो व्यक्ति अच्छा चीज है उसको हमेशा याद दिलाएगा कि गलत चीज है, शराब पीना गलत चीज है, गाली गलौज करना गलत चीज है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल एक्टिव होता है तो निगेटिव पिट्यूटरी सेल को जो है दबाने की कोशिश करता है और वो जीतता भी है। याद रखिएगा 20% जो पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल है वो जल्दी डेड नहीं होता, लेकिन वो एक्टिव होगा तो निगेटिव पिट्यूटरी सेल को वो हमेशा मारेगा, गिराएगा, नीचे की ओर सुलाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए। आप कभी भी, आपकी याददाश्त कभी नहीं जा सकता। आप मेरे बारे में बता रहा हूं, मैं एक बार पढ़ता हूं लाइफ में फिर दोबारा नहीं पढ़ता हूं। इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं उसी को जो है बार बार रिपीट करता हूं। मैं ये वीडियो मान लो मैंने लाया हूं, यदि मान लीजिए 4-6 महीना 1 साल बाद, और मैं ये जो मैंने लेक्चर दे रहा हूँ कई स्कूल कॉलेज में मैं बता चुका हूँ, मोटिवेशनल स्पीच दे चुका हूँ, और मैं हो सकता है 4-6 महीना पहले मैं दिया था, अभी इसको मैं रिवीजन कर दिया
तो फिर मेरा उनको खुराक मिल गया, एक्टिव होने का खुराक, ये कभी भूलेगा नहीं। इस तरह से बीच बीच में उसको खुराक देना पड़ेगा, बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा, स्पीच देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो एक्टिव होगा। आप एक बार सुस्ती रूप से पढ़ लिए, आपको नींद लग रहा है, तो आप क्योंकि निगेटिव पिट्यूटरी सेल जो है वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको नींद आता है, इसका मतलब है कि निगेटिव पिट्यूटरी सेल बहाई हो गया है, हेवी हो गया है। उसको आप सोचिए, आप जब भी मैं पढ़ूं नींद आने लगता है, हाथ पैर में दर्द देता है, ये क्या है? आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, पॉजिटिव पिट्यूटरीज के साथ में जो है रहना चाहते हैं, लेकिन निगेटिव पिट्यूटरीज आपको उधर जाने नहीं दे रहा है, अपने कब्जे में अपने एरिया में रखना चाहता है वो। तो समझिए कि आप भूल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फिर भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, इसका मतलब है कि निगेटिव पिट्यूटरीज के साथ में आप संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए साथियों। बोलने का तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यदि आपको समझ आ गया है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिए कि ये हमें समझ आ गया, ये हमें ऐसा करना है, तो मुझे खुशी होगा। और आप वीडियो को शेयर करें, और भी लोगों को इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। लोग जो है जो जिनका निगेटिव पिट्यूटरी सेल बहुत हाई हो गया, उसको कम करने के लिए, पॉजिटिव पिट्यूटरी सेल को हाई करने के लिए, तो ये फायदेमंद होगा दुनिया को भी जो है। एक हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो हमें पॉजिटिव सोच के साथ में हमें अपने एक नया कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और आज ही एक नया कदम बढ़ाइए तो मुझे खुशी होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद।